वो उसकी डबल, हाथी की डबल वेलोसिटी से उड़ जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। जब उसकी डेथ होती है तो उसके घर पे जो चूहिया होती है वो चूड़ियां तोड़ देती है, मांग का सिंदूर मिटा देती है और कहती है मैं विधवा हो गई, और बहुत दुखी होती है। तब उसका बेटा कसम खाता है, जब तक मैं उस हाथी से बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो अब वो हाथी से बदला लेने आ रहा है। देखते तो आपको पहला तो समझ में आ गया होगा। और ये एग्जाम्पल एक और हो सकता है कि और बाइक पे दो लोग बैठे होंगे, आराम से बात कर रहे हैं, क्या हाल है, क्या हुआ, क्या किया, और पीछे से ट्रक आ गया, तो ट्रक उसको धक्का मारेगा और बाइक जो है डबल स्पीड अभी ट्रक से चली जाएगी। या ट्रेन आ रही है, ट्रेन को कोई पता नहीं लगेगा। सो सेकंड केस इज है, सेकंड मींस सब केस। ए एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, नाउ सेकंड बॉडी सर मास इज मोर। हाँ बोलो बोलो। ने सर आपने ये M2 को नेगलेक्ट क्यों कर दिया? वो बहुत छोटा है ना बेटा, मास बहुत कम है उसका। जैसे तेरे आसपास कोई छोटा सा रुई का पोर्शन ऐसे घूम रहा है तो वो तो बहुत मास बहुत कम है, उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं हम लोग। और फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम एज्यूम करते हैं और छोटी छोटी चीजों को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट सही आता है। अगर रिजल्ट सही आता है तो ही एजम्पशन सही है, नहीं तो नहीं है। तो जो बहुत छोटा ठीक होता है है उसको सर, नेगलेक्ट करते हैं। ये तो हमने बहुत हर जगह करते हैं, तो मैथ्स में भी तो करते हो, बहुत छोटी सी चीज है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हो, बाइनोमियल थ्योरम में आगे जाके टर्म्स छोड़ देते हो कि नहीं। नाउ इफ एम टू इज ग्रेटर देन एम वन, इट मींस मास ऑफ सेकंड बॉडी इज मोर। तो M1 छोटा है तो M1 को निग्लेक्ट करेंगे। देखो तो V1 इक्वल टू माइनस M2 U1 अपॉन M2, M2 से M2 गया माइनस U1, अभी आपको समझ में आएगा देखना है। एंड V2A, ये 2 M1 तो बहुत छोटा है, चलो कर देते हैं, अपॉन M2, M2 बहुत बड़ा है, तो ये करीब 0 के आसपास आएगा। व्हाट डज इट मीन? आपको याद है ना, चूहा जो था वो आप बोला मैं बदला लूंगा अपने पिता की मौत का, और इस हाथी को बताऊंगा कि चूहे में कितना दम है। तो अब हाथी बैठा हुआ आराम से गन्ना खा रहा था और चूहा आया बिल्कुल ब्रूसली की स्टाइल में कुंग फू, और आके उसने एक फ्लाइंग किक मारी हाथी को, और हाथी को तो कुछ नहीं हुआ और वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया अपनी माँ के पास, माँ मैं बदला ले आया, और माँ ने उसकी शादी कर दी। देखो वही हुआ। नाउ द फाइनल स्पीड ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज सेम एज इट्स इनिशियल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड सेकेंड बॉडी वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल। वो तो रेस्ट नहीं थी, वो रेस्ट नहीं रही। तो आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, क्योंकि यस ये तो ये बच्चों कर ले आप। तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एंड देन वी हैव इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। वाई? क्योंकि उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, तो उसमें हम फाइनल वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम उसको स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे इलास्टिक, सॉरी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वी आर गोइंग टू स्टडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो हमारे काम का है। मिटा दूं बच्चों? यस सर। आजकल दिवाली के बाद बच्चे कुछ नाराज हो गए, आ ही नहीं रहे क्या? सर मेरी आवाज सुनाई दे रही आपको? हाँ दे रही ना, ओके सर। वो क्या हो रहा है, बच्चे यार तो कोचिंग में सब पढ़ लिया, बोले मोटा क्या पढ़ाएगा। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं आपको पता ही है। सर आपने और वीडियो क्यों डालना हमारा बंद कर दिया? 11th के डालूंगा, अभी 12th के बना रहा हूँ, पहले 12th का खत्म कर दूँ फिर आपके डालूंगा। रोज दिन में एक ही बना सकता हूँ ना, उससे ज्यादा तो बना नहीं सकता। सर मीटर ब्रिज 12th में ओके आता सर। है? हाँ ओके क्यों, सर। 11th में डाल दिया क्या मैंने? नहीं नहीं सर, प्ले लिस्ट है मैंने वहां देखा था पर। सर।
मैंने देखी थी। अच्छा ओके ओके थैंक यू। अच्छा लगा आपको? हाँ सर, उस टाइम नहीं पता था कि 11th की, मतलब बहुत पहले देखी थी सर। वाया तुम उस टाइम चली है बच्चे हैं कि 12th का पढ़ लेते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता है 12th का। वेरी नाइस, तुम्हारे मम्मी पापा कितने भाग्यवान। सर वो तो सेशन चालू होने के पहले देखी थी। ओके सो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यू नो वेरी वेल, after collision the two bodies sticks together and moves with a common velocity. So this is first body, this is second body, A and B. masses aapko pata hai m1 m2, and after collision dono chipak gayi aur ek saath jaane lagi v velocity se, common velocity. unki mass m1 plus m2. So before collision and after collision, ठीक है बच्चों, फटाफट बनाओ तो मैं बोलूंगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा था चिल्ड्रंस डे का? बहुत बढ़िया आ गया सर। सर बहुत बढ़िया था। अच्छा सर, अरे यार मैं बहुत परेशानी में हूँ अभी, लेकिन क्या करूँ, ये सब चीजें कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया हुआ है और वो हॉस्पिटलाइज है दिवाली से पहले से, तो हम बस उसी में लगे हुए हैं। ये उनकी किडनी में भी प्रॉब्लम हो रही है, पर क्या करें, पढ़ाना भी पड़ेगा, सब करना पड़ता है जीवन में, सब कुछ करना है। सर, अभी ठीक? सोचा कि अभी भी ठीक नहीं है बेटा, बड़ी मुश्किल से बनाया वो आपके लिए, एक ही दिन में सोचा एक ही दिन में बना दिया। मैंने कहा पढ़ो, बच्चों के लिए कुछ कर दो, शायद उनको अच्छा लगे। और आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि हम कुछ भी करें आप लोग पसंद करते हो, ये आपकी ब्यूटी है, आपके अंदर की अच्छाई है ये, कि आप मोटे आदमी का भी कुछ सब कुछ पसंद कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चले आगे अपन। यस सर। Consider two bodies A and B. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2. Consider two bodies A and B having masses m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2. Moving with initial velocity u1 and u2. फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज। आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक्स टूगेदर। आफ्टर कोलिजन टू बॉडीज स्टिक्स टूगेदर एंड मूव्स विथ ए कॉमन वेलोसिटी वी। एंड मूव्स विथ ए कॉमन वेलोसिटी वी। सो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। So this is perfectly inelastic collision. Paragraph saying, we know that in a perfectly inelastic collision, only linear momentum is conserved. Only linear momentum is conserved. Therefore, from law of conservation of linear momentum, why pi equal to pf? ओके तो ये रखते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 एंड फाइनल इज m1 प्लस m2 इनटू v। सो v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इट मींस इफ वी नो द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड मासेस ऑफ बोथ द बॉडीज,
we can find their common velocity with the help of this formula. देखो कितना easy हो गया. And now suppose second body is at rest. तो क्या होगा? उसको simple करने के लिए कर रहा हूँ. A u2 is zero. So v is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. Very easily we can find common velocity. अब इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि हियर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. प्रूव करके बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही. तो कंजर्व कब नहीं होगी? कि व्हेन इनिशियल इज नॉट इक्वल टू फाइनल. आइदर इनिशियल इज लेस और फाइनल इज मोर, और फाइनल इज मोर इनिशियल इज लेस. तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ बता रहा हूं मैं आपको. यहाँ प्रूफ ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी लॉस ही होगा, आपको पता ही है. व्हाई? क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, ये तो हमको ही मालूम है. तो वी फाइंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, के आई हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, यू टू इज ऑलरेडी एट रेस्ट एंड के एफ इज हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी स्क्वायर. एंड वी अपने पास है ये, सो हाफ M1 plus M2, M1 square U1 square upon M1 plus M2 ka square. Correct? So M1 plus M2 and this is cancel out. We will have M1 U1 square, M1 square U1 square upon 2 M1 plus M2. Therefore delta K means change in energy. एंड के ई माइनस के एफ. एक्चुअली ज्यादातर आप के एफ माइनस के आई करते हो, पर मैं के आई से कर रहा हूँ बिकॉज आई नो वेरी वेल दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज मोर एंड फाइनल इज लेस. तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, आएगा या नहीं देखते हैं. सो दिस इज हाफ एम वन यू वन स्क्वायर एंड फाइनल इज हाफ एम वन स्क्वायर यू वन स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू. सो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2m1 plus m2 and here we have m1 u1 square. This is m1 plus m2 minus m1 square u1 square. Okay, so multiply m1 square u1 square m1 m2 u1 square minus m1 square u1 square upon 2m1 plus m2. तो देखो ये और ये कैंसिल हो गए. सो व्हाट इज डेल्टा के नाउ? डेल्टा के इज m1 m2 u1 square upon 2m1 plus m2. दैट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. Therefore, KI is greater than KF. So, there is loss of kinetic energy. तो आपको समझा देता हूं एक बार फिर, जल्दी जल्दी क्या है मैंने. Now we are in a era of proof of loss of kinetic energy. So, kinetic energy initial is this, final is this, and we are now subtracting KI minus KI. तो एलसीएम लिया और काटने के बाद ये आया एम वन एम टू यू वन स्क्वायर अपॉन टू एम वन प्लस एम टू. सो एम वन इज मास ऑलवेज पॉजिटिव, एम टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू वन मे बी